थाना पिनाहड़ के सदर बाजार में ज्वेलर्स के साहस के चलते जहां लूट की वारदात मच गई, वहीं एक बदमाश को दबोच भी लिया गया। दो बदमाश फरार हो गए। अब पुलिस फरार बदमाशों का पता लगाने में जुट गई है। ज्वेलर्स के साहस के आगे बदमाशों को लेने के देने पड़ गए। मामला थाना पिनाहड़ के सदर बाजार क्षेत्र का है। किशन गुप्ता की ज्वेलर्स की दुकान है। किशन गुप्ता अपनी ज्वेलर्स की दुकान को खोलने के लिए पहुंचे थे। दुकान का शटर खुला, थैला रख कर साफ सफाई कर रहे थे। उसी दौरान तीन बदमाश दुकान के अंदर दाखिल होते हैं। बदमाश थैला उठाकर भागने लगते हैं, लेकिन किशन गुप्ता ने बदमाशों के पीछे दौड़ लगा दी। एक बदमाश को दबोच लिया और थैला भी बचा लिया। थैले में ज्वेलरी थी। दो बदमाश भाग निकले। सुबह 9 बजे घर से दुकान की तरफ गया था। मैंने अपनी दुकान के ताले खोल लिए थे। तारे खोलने के बाद मैंने सफाई करना शुरू किया। उसके बाद अंदर मैं गया भरनी लेने। अच्छा। भरनी की सफाई करने के बाद मैंने देखा कि एक अज्ञात आदमी, तीन आदमी साथ आए थे, वो थैला लेकर भाग गए। अच्छा। इतने में मैं उनके पीछे भागा और साथ में कुछ मेरे बाहर साथी थे, उन्होंने एकदम पकड़ लिया जाके। उनमें से एक व्यक्ति को मैंने पकड़ लिया और दो भागने में सफल रहे। मेरी चाबी थी और 50-60 ग्राम करीब आभूषण थे। यदि किशन गुप्ता साहस नहीं दिखाते, बदमाश ज्वेलरी लेकर भाग जाते। पकड़े गए बदमाश को थाना पिनाहड़ पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस अब फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है। सभी लोग ज्वेलर्स किशन गुप्ता के साहस की तारीफ कर रहे हैं। देखना होगा कि पुलिस कब तक फरार बदमाशों को पकड़ पाती है। पिनाहड़ से अपने साथी नीरज परियार के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। We'll be right back.